जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के मैंने कल प्रैक्टिस सेट पहला करवाया था, आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हम करेंगे इससे आगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और डेली हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो जाइएगा। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कवक के लिए जो असत्य कथन है वो आपको बताना है कौन सा गलत हो जाए। यह सेपेरोफाइट हो सकते हैं, नहीं ये तो सही है। यह बहुकोशीय भी हो सकते हैं, ये भी सही है। यह एनारोबिक हो सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 12वें नंबर का, क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के अतिरिक्त कवक तथा उच्च पादप के मध्य कोई दूसरा अंतर जो है वो कौन सा है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के अतिरिक्त कवक तथा उच्च पादप के मध्य कोई दूसरा अंतर जो है वो कौन सा है। पोषण का प्रकार, वो है पोषण का प्रकार तथा कोशिका भित्ति का संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये लो, गेहूं का काला रस्ट रोग कैसे होता है। और आपको बताना है कि गेहूं का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, गेहूं का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा और गेहूं का काला रस्ट रोग। तो गेहूं का रासायनिक नाम आप सभी को पता है, टेट्रिकम एसिटम। और ये गेहूं का काला रस्ट रोग किससे होता है, तो ये जो होता है पक्सेनिया ग्रेमिनी से, किससे, पक्सेनिया ग्रेमिनी से होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। कहां पर पाया जाएगा, आपका क्लैम्प कनेक्शन पाया जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज में। क्या क्लैम्प कनेक्शन जो है वो आपके बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रस्ट जो है वो एक प्रकार का क्या है, रस्ट जो है वो एक प्रकार का क्या है, बताइए रस्ट जो है वो एक प्रकार का क्या है। रस्ट जो है ये है बेसिडियोमाइसिटीज। क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। रस्ट जो है एक प्रकार का बेसिडियोमाइसिटीज हो जाएगा। चलिए, कौन नग्न चट्टान पर आरंभक जीव अर्थात पायोनियर के रूप में वृद्धि करने में सक्षम होता है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो। कौन जो होता है नग्न चट्टान पर आरंभक जीव अर्थात पायोनियर के रूप में वृद्धि करने में सक्षम होगा। देखो हम डेली क्लास कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको टाइम भी मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। वेरी गुड, 16 नंबर का डी वाला, लाइकेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाइकेंस आ जाएगा। के निम्न में से कौन जो होता है नग्न चट्टान पर आरंभक जीव अर्थात पायोनियर के रूप में वृद्धि करने में सक्षम होता है, लाइकेंस हो जाएगा। म्यूकर में जाइगोस्पियर किससे विकसित होगा, गेमिटेंजियम से। म्यूकर में जाइगोस्पोर जो होता है वो गेमिटेंजियम में विकसित होगा, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चावल पर होने वाले ब्लाइट रोग, ये क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी है। चावल पर होने वाले ब्लाइट रोग का कारक निम्न में से कौन सा जीव है, चावल पर होने वाले ब्लाइट रोग का कारक निम्न में से कौन सा जीव है। 18 नंबर का, वेरी गुड, जेंथोमोनास कौन सा है, जेंथोमोनास। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये आपके लिए बुक अवेलेबल है, आपके लिए सामान्य विज्ञान की बायोलॉजी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश की टॉप 7500 क्वेश्चन रहेंगी। आप इन सारी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, सभी के लिए ये बुक अच्छी है। तो अगर आप मंगाना चाहते हो तो घर बैठे आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, और कोई भी समस्या आ रही हो तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो 9753749986 पर। चलते हैं पर अगले क्वेश्चन की ओर, लिखा हुआ है कि किसी भी रैंक के समान लक्षण वाले पौधे और जंतुओं को आप क्या कहते हो, बताइए किसी भी रैंक के समान लक्षण वाले पौधे और जंतुओं को आप क्या कहते हो, तो उसे हम कहते हैं टेक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे, टेक्सोन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये लीजिए, टेक्सोन या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है।
वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई हो जाएगी वो प्रजाति है। ये देखो, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। द्विनाम नामकरण पद्धति अभी बताया था, केरोलस लिनियस। द्विनाम नामकरण पद्धति केरोलस लिनियस, तीसरे नंबर का बी वाला, केरोलस लिनियस। द्विनाम नामकरण पद्धति जो है आपका केरोलस लिनियस आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि टेक्सोन जो है वो क्या है, टेक्सोन जो है वो क्या है, टेक्सोन जो है वो क्या है, टेक्सोन जो है वो आपका किसी भी रैंक और वर्गीकी का एक समूह, किसी भी रैंक और वर्गीकी का एक समूह, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे टेक्सोन कहेंगे। टेक्सोन जो है किसी भी रैंक और वर्गीकी का एक समूह है। सिस्टेमा नेचुरी के, सिस्टेमा नेचुरी लेखक हैं, सिस्टेमा नेचुरी लेखक हैं लेमार्क, कुवियर, अरस्तु या लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं केरोलस लिनियस। द्विनाम नामकरण पद्धति में जो दो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, द्विनाम नामकरण पद्धति में दो शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है वंश और एक है जाति। क्या है, एक तो है वंश और एक है आपका जाति। पुस्तक जिसमें द्विनाम नामकरण पद्धति सबसे पहले प्रकाशित की, वो कौन सी पुस्तक है जिसने द्विनाम नामकरण पद्धति सबसे पहले प्रकाशित की थी, सातवें नंबर का। बिल्कुल, सिस्टेमा नेचुरी। द्विनाम नामकरण पद्धति सबसे पहले जो प्रकाशित हुई थी वो सिस्टेमा नेचुरी थी, उस पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति का मेयर बायोलॉजिकल संकल्पना मुख्य रूप से किस पर आधारित है, जाति का मेयर बायोलॉजिकल संकल्पना मुख्य रूप से किस पर आधारित है। वेरी गुड, प्रजनात्मक पृथक्करण पर। जाति का मेयर बायोलॉजिकल संकल्पना जो है प्रजनात्मक पृथक्करण पर आधारित है। वर्गीकी समूह का कोई भी रैंक, वर्गीकी समूह का कोई भी रैंक, वर्गीकी समूह का कोई भी रैंक जो होगा वो आपका हो जाएगा सी, टेक्सोन हो जाएगा, टेक्सोन। निम्न में से कौन सा जंतु अपने वर्गीकी श्रेणी से सही सुमेलित नहीं है, दसवें नंबर का, वर्गीकी श्रेणी से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। शेर, टिग्रिस जाति, ये वर्गीकी श्रेणी से सही सुमेलित नहीं है। वर्गीकी पदानुक्रम की घटती हुई वर्गीकी श्रेणी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वर्गीकी पदानुक्रम की घटती हुई वर्गीकी श्रेणी बताइए। ग्यारह नंबर का, जगत, फाइलम, वर्ग, गण, फैमिली, जाति और वंश, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा कि जगत, फाइलम, वर्ग, गण, फैमिली, जाति और वंश। नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम अनुसार निम्न में से किसका नाम सही ढंग से लिखा गया है, लिखा हुआ है, नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम अनुसार निम्न में से किसका नाम सही ढंग से लिखा गया है। बी वन, एक रोगजनक प्रोटोजोन जिसके द्वारा गंभीर किस्म का मलेरिया रोग होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कैसे, नहीं दो क्वेश्चन और, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है, निम्न वाक्यों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा, बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। हर्बेनियम सूखा दबाव और परिष्कृत पादप नमूना है, नहीं। सजीव में पादप के संदर्भ में वनस्पति उद्यान में पादप का भंडार, नहीं, ऑप्शन आपका सी वाला। संग्रहालयों में पादप और जंतुओं के चित्रों का भंडार। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत जीवों का नामकरण किया जाता है, कौन सा कथ्य नियम के विरुद्ध है। सीवल, हाथ से लिखे जाने की स्थिति चिन्हित किए जाते हैं, हाथ से लिखे जाने की स्थिति जो होती है वो आपकी चिन्हित किए जाती है। चलिए अगला, हर्बेनियम स्पेसिमेन के सीड में कौन सी सूचनाएं नहीं दी गई हैं, हर्बेनियम
स्पेसिमेन के सीट में कौन सी सूचनाएं नहीं दी गई? पौधों की ऊंचाई कौन सी नहीं दी गई? पौधों की ऊंचाई, ये मैंने आपको फिर 25 क्वेश्चन करवाए हैं, 25 से 30। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।